भारत हुआ मजबूत, चीन की आएगी समत। रक्षा मंत्री का बयान, चीन दहला। पीएम मोदी चीन को कर देंगे चीत। दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत और चीन सीमा पर घमासान चल रहा है। काफी पहले से हमें ऐसा सुनने को मिल रहा था कि भारत और चीन सीमा पर विवाद काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। बातचीत करके इसको सैन्य तरीके से भी सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ भी हल निकल कर सामने नहीं आया। चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी अपने दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जब उसकी दादागिरी वह नहीं चल पाई तो फिर वे सौदेबाजी पर उतर आया था, लेकिन उसकी सौदेबाजी भी भारत के आगे नहीं चल सकी। जब चीन की ये दोनों साजिशें नाकाम हुई तो अब चीन अपनी सैन्य शक्ति दिखाने पर आ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारतीय सीमा पर अपने एक गांव का निर्माण भी कर लिया है और समय समय पर गांव को भरा कर वहां पर सड़कें और ना जाने क्या क्या सुविधाएं पैदा कर रहा है। पहले हमें सिर्फ इतना ही सुनने को मिला था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास एक गांव को बसा रहा है, लेकिन अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि चीन भारतीय सीमा के अंदर एक गांव को बसा चुका है। कब से मानो हड़कंप ही मच गई है। मैप से ये हमें साफ नजर में आ जाता है कि चीन भारतीय सीमा के अंदर आकर बैठ गया है और अपने गांव को बसा दिया है। देश का हर एक भारतवासी चीन के इस कदम से बहुत ज्यादा नाराज है। हर भारतीय के अंदर चीन के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ इसको देखते हुए भारत ने जो चीन के खिलाफ कदम उठाया है वो चीन से भी कई गुना आगे की सोचकर उठाया गया कदम है। भारत के इस कदम से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। हो सकता है कि चीन की सारी प्लानिंग पर भारत के इस कदम की वजह से पानी फिर जाए, इसलिए चीन इतना ज्यादा आग बबूला हो रहा है। पहले हम भारत के रक्षा मंत्री का वे बयान सुनते हैं जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दिया है, उसको पहले जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसकी वजह से चीन इतना ज्यादा बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा दे ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वे भारत को कमजोर करे, इसलिए वे ऐसी कोई भी हरकत करने के लिए तैयार है जिससे भारत कमजोर हो जाए। लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर चीन अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता है तो हम चीन को सीमा पर भी मार सकते हैं और चीन के बॉर्डर के अंदर घुसकर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, और ना ही हमारे लिए एयर स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात है। साथ ही यहां पर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत हर वे काम कर सकता है जो हर ताकतवर देश कर सकते हैं। और यहां पर राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत का ये इतिहास रहा है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया है और ना ही भारत ने कभी किसी देश की जमीन हड़पने की कोशिश की है। लेकिन कोई भी दूसरा देश अगर भारत के जमीन पर एक इंच भी कब्जा करने की सोचेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। यही पर राजनाथ सिंह ने चीन को इशारा किया कि चीन जो हरकत कर रहा है उसको देखते हुए भारत एक सख्त कदम उठा सकता है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि 3 दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा था कि भारत को लेकर चीन गलत फैमिले में ना रहे, ये 1962 वाला भारत नहीं है, आज का भारत बदल चुका है और आज का भारत अपने दुश्मनों को अच्छे से मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है कि रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री और सेना प्रमुख चीन को उसके नाम से धमकी दे रहे हैं। इससे तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भारत का जो त्योहार है वे काफी ज्यादा गर्म है। कुछ लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि भारत की जमीन पर चीन ने तो कब्जा कर लिया है और भारत सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत भी अपनी तरफ से कदम उठा रहा है और भारत ने भी एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसके वजह से चीन की नाक में दम हो गया है। आइए आपको बताते हैं भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसकी वजह से चीन बहुत ज्यादा परेशान है।
द यूरेशियन टाइम में छपे एक आर्टिकल से पता चलता है कि भारत चीन से एक्शन के मूड में है। इसमें सब शब्दों में ये लिखा गया है कि भारत चीन सीमा एलएसी पर अपने भारतीय वायुसेना के न्यूक्लियर कैपेबल ग्राउंड अटैक फाइटर बम्बर चीन के खिलाफ सक्रिय कर दिए है। आपको हम बता दें कि भारत के पास भले ही अमेरिका जैसे बम्बर मौजूद ना हो, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाला मिराज, जैगुआर और सुखोई विमान मौजूद है और इसे वक्त आने पर स्ट्रेटेजिक बम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमें इसके बारे में ऐसा भी मिलता है कि इस हथियार से दुश्मनों के ऊपर 500 किलोग्राम के ऊपर परमाणु बम को भी दागा जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन एलएसी पर अपनी मनमानी कर रहा है, उसी को देखते हुए भारत को ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। चीन ने भी अपनी सीमा पर S-6 की तैनाती की हुई है। वही चीन ने एयर बेस पर अपने 5th जनरेशन के J-20 की तैनाती कर रखी है। वही भारत ने इसको काउंटर करने के लिए इसराइल से स्कॉर्पियस जी का सौदा किया है। हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि चीन के जेट विमान के लिए भारतीय सेना राफेल को एक्स्ट्रा मॉडिफाई भी करवाने वाली है और इसकी शुरुआत भारत की तरफ से जनवरी 2022 में शुरू की जाने वाली है। और अगर हालात और बिगड़ते हुए नजर आए तो हो सकता है कि इस पर पहले से भी काम शुरू कर दिया जाए। आपको हम बता दें कि भारतीय सेना को फ्रांस की तरफ से अब तक 30 राफेल ट्रांसफर किए जा चुके हैं और बाकी के बचे हुए राफेल अप्रैल के मिड तक भारत पहुंच जाएंगे। इस बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल टीम भारत के स्पेशल राफेल को टेस्ट करने फ्रांस रवाना हो चुकी है। आपको हम ये भी बता दें कि इस स्पेशल राफेल को भारतीय सेना को ध्यान में रखकर ही मॉडिफाई किया गया है, इसलिए यहां से भारतीय सेना की स्पेशल टीम भी इस विमान की टेस्टिंग करने के लिए फ्रांस पहुंच गई है। इस राफेल से अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाएगी। इसके बारे में हमें यह भी मिलता है कि यह किसी भी हालात में चीन के J-20 को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि राफेल को जिसने बनाया है वे कंपनी का ऐसा दावा है कि यह चीन के J-20 को आसानी से मात दे सकता है। इसी विमान का परीक्षण भारतीय सेना करेगी और भारतीय सेना को अगर यह विमान पसंद आ जाता है तो जितने विमान अभी बनने बाकी है उसको इसी टेक्निक में बनाया जाएगा, जिसको देखने के बाद दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। आपको हम बता दें कि इस मॉडिफिकेशन के तहत राफेल में हाईली कैपेबल डेड लिस्ट मिसाइल, इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट जनरेशन ईवी सूट और भी कई ऐसे फीचर हमें इस नए मॉडिफिकेशन राफेल में देखने को मिलेंगे। हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि लगातार भारत अपने आप को चीन के खिलाफ तैयार कर रहा है और मजबूत कर रहा है। बहुत लोगों का मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत के पास इतनी ज्यादा ताकत है तो भारत चीन के खिलाफ हमला क्यों नहीं कर देता है। ऐसा आप भी सोचते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हर चीज का एक सही समय होता है। हमें अपने फौजी भाइयों की जान को सुरक्षित रखते हुए ऐसा कदम उठाना होगा जिससे हमारे फौजी भाई भी सुरक्षित रहे और हमारे देश की सीमा भी सुरक्षित रहे और हमारे उठाए हुए कदम से चीन संभाल ना पाए। इसलिए भारत एक सही मौके का इंतजार कर रहा है जिससे वे चीन को ऐसा सबक सिखाए जिसके बाद वे दोबारा भारत की तरफ देखने की गलती भी ना करे। इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास ये वीडियो पहुँच सके।